अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज हम आपके लिए चाइनीज़ सिज़लर की डिश लेके आए हैं रेसिपी। ये देखिए, हम इस सिज़लर प्लेट में सब प्लेटिंग करेंगे। चलिए रेडी करते हैं सिज़लर। ये देखिए, मेरे पास में बोनलेस चिकन है। ये 250 ग्राम चिकन है हमारे पास में, और इसके अंदर मैं ये मसाले मिलाऊंगी। ये हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून सोया सॉस डालूंगी। उसके बाद में इसमें मैं कॉर्न पाउडर डालूंगी। ये 1 चम्मच कॉर्न पाउडर डाला मैंने इसमें। एक चम्मच मैं इसमें मैदा डालूंगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक हाफ अंडा डालूंगी, मैंने बीट करके फेंट के रख लिया था इसको। फिर ये सब अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करके इसको एक साइड में रख दूंगी, और बाद में मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ये थोड़ा सा मैं कॉर्न पाउडर और इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, और सबको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको मैं साइड में रख दूंगी, तब तक कि मैं बाकी की सब चीज़ों को रेडी करती हूँ। ये देखिए, ये पैन के अंदर मैंने तेल डाल दिया है, और ये काफ़ी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूँगी। ये लगेंगे उसमें। ये देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं। अच्छे से फ्राई कर लिए इनको, एकदम क्रिस्पी। इनको हम निकाल लेंगे अब फ्रेंच फ्राइज को। अभी इसी ऑयल में मैं वो चिकन को भी फ्राई कर लूंगी। ये मैंने मसाला लगा के रखे थे, ये मैं चिकन भी इसमें फ्राई कर रही हूँ। चिकन बॉल उनको अच्छे से स्लो पे फ्राई कर लेना है, इसमें अंदर से कच्चे नहीं रहे। इनका मैं सॉस बनाऊंगी। सब इसी में एक बार में ही आ गए हैं। हमारी चिकन फ्राई हो गई है अच्छे से, एकदम क्रिस्पी बनी है, अच्छी बनी है। और इसके लिए मैं अभी सॉस तैयार करूंगी। रेडी हो गई है, इनको हम निकाल लेंगे बाहर। तो पूरा तेल निकाल के अच्छे से ये देखिए, मैंने है ना ये गाजरें काटी थी लंबी लंबी, हल्के से तेल में मैं डाल के उसको सौते करूंगी। ये भी सॉस किया जाएगा। हल्का सा सॉल्ट, नमक, हल्का सा काली मिर्च, फिर देखिए गाजर हो गई है हमारी। 2-3 मिनट तक के पहले इसको बनाया है। इसको साइड में निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद मैं फ्रेंड बीन्स को भी हल्का सा तेल डाल के एकदम ज़रा सा, इसके अंदर ये फ्रेंड बीन्स है उनको भी ऐसे सॉटे करूँगी 2-3 मिनट के लिए। ये भी प्लेटिंग में जाएगा हमारी सिज़लर प्लेटिंग में। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम। फिर इसके अंदर थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। दो 3 मिनट तक हम इसको बनाएंगे।
ये बीन्स फ्रेंच बीन्स भी हो गए हैं, दो तीन मिनट तक हमने इसको पका लिया है। इसको भी मैं साइड में निकाल लूँगी। अब इसमें हम फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिल्ली, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का थोड़ा सा चॉप डालेंगे मसाला। फिर उसके अंदर मैं ये थोड़ी कुछ गाजर डालूंगी, सब्जियां हैं जो काट के रखी हैं मैंने। ये हमारे पास में कुछ गाजर है, ये ऐड करूंगी इसके अंदर। इसके अंदर मैं थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स ऐड करूंगी, ये इसमें जाएंगे। थोड़ा इनको दो तीन मिनट तक के सब्जियों को हम पका लेंगे। ये साइड में मैं ये अंडा ऐड कर दूंगी इसमें। इसमें थोड़ा मैं नमक डालूंगी, आप नमक अपने हिसाब से डालिए टेस्ट से। मैंने हाफ टी स्पून इसमें डाला है, और चावल उबाले थे तो उसके अंदर भी मैंने डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर उसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये अंडा अच्छे से पक जाए एकदम, छोटा छोटा करके इसको हिलाते रहना है कंटिन्यू। इसके अंदर मैं ये चावल ऐड करूंगी। मैंने चावलों को गर्म पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ये हमारे 2 कप चावल है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, हल्का सा, और इसके अंदर मैं ये 2 चम्मच शेजवान चटनी डालूंगी, और इसको हिलाते रहना है कंटिन्यू हमको अच्छे से, क्योंकि नमक तो चावल में भी है। हमने जब चावल बॉयल किए थे और उसमें नमक भी डाला था, और वो पानी सब निकाल के फेंक दिया था, और फिर मैंने अभी स्टार्टिंग में भी नमक डाला है। सोया सॉस में भी नमक रहता है, चिल्ली सॉस में भी नमक रहता है, और इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून। ये एक फ्राइड राइस है, ये हमारा एक फ्राइड राइस रेडी हो गया है। इसको भी हम साइड में निकाल के रख देंगे। अब हम हक्का नूडल्स बनाएंगे इसके अंदर, चिकन हक्का नूडल्स। वो हमारी सब सिजलर प्लेटिंग में सब जाएगा पूरा चाइनीज। अब इसके अंदर मैं ये हरे प्याज थोड़े से ऐड कर दूंगी। ये हमारा राइस रेडी हो गया है। अब हम नूडल्स बनाएंगे, इनको मैं एक साइड में निकाल ले रही हूँ। देखिए सारे राइस इसमें साइड में निकाल लिए हैं। इसी पैन में मैं नूडल्स बनाऊंगी। ये मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये मैंने जो ऑयल चिकन बनाया था वही ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। हल्का सा इसमें ऑयल जाएगा। फिर इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट देगा। ये देखिए, ये गाजर हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
मैं ये शिमला मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी डाल दूँगी, और ये इसके अंदर मैं ये फ्रेंच बीन है वो भी इसी में डाल दूँगी। मेरी गैस एकदम फ्लेम फास्ट है, आप कभी भी चाइनीज़ बनाइए तो फास्ट फ्लेम करके ही बनाइए। ये हमारे पास में एक पैकेट नूडल्स था, मैंने जिसको पानी में नमक डाल के और बॉइल्ड कर लिया था। इसके अंदर मैं हल्का सा विनेगर डालूँगी, फिर इसमें मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें मैं चिली सॉस डालूँगी हाफ टी स्पून, इसको मैं हिलाऊँगी अच्छे से। को फास्ट गैस पे रख के ही पकाना है। फिर इसके अंदर मैंने ये चिकन के शेडेड कर लिए थे बॉइल्ड करके नमक और काली मिर्च में डाल के, और ये देखिए मैंने इसमें ये थोड़े से चिकन ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा शेजवान सॉस डालूंगी एक टीस्पून, फिर इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा एक टीस्पून सोया सॉस डालूंगी, ये हमारा नूडल्स की रेडी होने पे है। हक्का नूडल्स, चिकन हक्का नूडल्स, ये भी सब हमारा सिजलर प्लेट में जाएगा। ये हमारे नूडल्स होने के बाद में हम उसका चिकन का सॉस रेडी करेंगे। एक टीस्पून इसके अंदर मैं टमाटो केचप डालूंगी, हमारे नूडल्स रेडी हो गए। इनको मैं हमारे नूडल्स बन गए हैं, इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। मैं अब गैस ऑन कर रही हूँ, गैस ऑन करके ये सिजलर प्लेट मैं इसके ऊपर हीट करने के लिए रख रही हूँ। जब तक मेरी ग्रेवी रेडी होगी तब तक ये सिजलर प्लेट हीट हो जाएगी। अब मैं ग्रेवी रेडी करती हूँ, चिकन ग्रेवी। पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, पैन में देखिए एक टेबल स्पून तेल डाल दिया है। फिर उसके बाद में मैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा एक चम्मची डालूँगी छोटा, तो 2-3 मिनट तक इसको हिलाइए, अच्छा टेस्ट आ जाए, एकदम बंग गार्लिक जैसा हो जाए। इसको सीजन कीजिए। फिर उसके बाद में उसमें मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा लहसुन मुझे कम लगा, एक टीस्पून और डाल लें बस। फिर इसको हिलाते रहिए, चिकन स्टॉक है इसके अंदर मैं डाल ली। इसमें इसमें मैं सॉस बनाऊंगी, ऑयल होने लगेगा पानी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी थोड़ा सा, फिर इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी इसके अंदर हाफ टी स्पून, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सॉल्ट डालूंगी। ये देखिए क्योंकि सोया सॉस और शेजवान सॉस सब में रहता है सॉस, इसके नमक आप थोड़ा संभाल के डालिए। ये 2 टीस्पून में शेजवान चटनी डालूंगी इसके अंदर, ये देखिए। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिल्ली सॉस डालूंगी एक ज़रा सा हाफ टी स्पून, बस इसको बॉयल्ड हो जाने दीजिए अच्छे से। जब पानी थोड़ा इसका बॉयल्ड होने लगेगा तब इसके अंदर मैं कॉर्न पाउडर डालूंगी। देखिए इसमें 1 टीस्पून मैंने टमाटो केचप डाला है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। हमारा सॉस का बॉयल हो गया है पानी स्टॉक, चिकन स्टॉक। और फिर इसके अंदर मैंने ये पान कॉर्नफ्लोर को 1 टीस्पून को पानी में घोल लिया है। फिर उसके अंदर मैं इसमें सॉस बनाऊँगी, ये इसमें ऐड कर दूँगी।
ये सॉस रेडी हो गया है हमारा। अब ये जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। इसको मिलाएंगे थोड़ा, दो तीन मिनट तक पकने देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा पूरा चिकन सॉस। फ्लेम फास्ट है हमारी और थोड़ा सा थिक हो जाइए। फिर इसके अंदर मैं ये हरे प्याज ऐड कर दूंगी। रेडी हो गया हमारा चिकन सॉस। अब हम प्लेटिंग करेंगे, सर्विंग करेंगे। उसमें हमारी प्लेट वहाँ पे हीट गरम हो रही है। देखिए मैंने प्लेट को इधर शिफ्ट कर दिया है, मेरी फ्लेम ऑन है और काफ़ी हीट हो गई है। अब हम लोग इसमें सर्विंग करेंगे अच्छे से। ये गोभी के पत्ते हैं, इनको हम रखेंगे बीच में, जिसमें हमारे जो भी मैंने बनाया है इसके लिए रखा जाता है कि जले नहीं, नीचे से खाना हमारा जल नहीं जाए। जो मैंने गाजर को सीजन किया था थोड़ा सा वो इसके अंदर मैं डालूंगी प्लेट में। तो ये हमारे बीन्स हैं, इनको यहाँ पे रखूँगी। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं, इनको हमें यहाँ पे सर्व करना है। ये देखिए मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दी है अब, और ये राइस भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ। नूडल्स भी मैं इसमें रखूंगी। अब मैं इसको प्लेट पे रख दूंगी। ये देखिए प्लेट बहुत गर्म है और बहुत संभाल के उठाना है इसको। ये थोड़ा सा इसमें बटर डालूंगी मैं।